तो साल खत्म होने को आया है, तो इस साल बहुत कुछ किया, बहुत कुछ देखा, बहुत जगह एक्सप्लोर किया, और सबसे बढ़िया चीज़ बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया, बहुत कुछ सीखने को मिला इस साल। तो कुछ रिवाइंड करते हैं इस साल के शुरू से अब तक क्या कुछ हुआ, बात करते हैं फिर। तो लास्ट साल के स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो बनाया था, एक फैन बॉय रिव्यू ऑफ R15 एंड टीवीएस इन टॉर्क, जो ये वाला आईआर कार्ड में आ रहा होगा, ये वाला वीडियो इन टॉर्क बेल्स R15 फैन बॉय। ज्यादा नहीं, 2K व्यू पड़ा है, जाके देख सकते हो। स्टार्टिंग था, थोड़ा ड्रामा ज्यादा है इस वीडियो में, पसंद आएगा, देख सकते हो आप लोग। और जो जो मैं रिवाइंड का वीडियो मैं बोलने वाला हूँ आज, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, सब चेकआउट कर लेना एक बार। ठीक उस वीडियो के बाद ही हम, मतलब मैं, मेरा दोस्त रीतम और आशुतोष, हम तीनों निकल चुके थे हम लोग का ऑफिशियली फर्स्ट राइड हल्दिया के लिए। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था भाई, पहला राइड था हम लोग का, फर्स्ट राइड हम लोग का, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था, अलग ही क्रेजीनेस था, एक अलग ही क्रेजीनेस था भाई। राइड करने जा रहे फर्स्ट टाइम बाहर कई जगह पे ऑन द बाइक, अलग ही मजा था, अलग ही मजा। फिर उसी के ठीक अगले महीने बाद ही एक बात आप लोग जान लो, मोटरसाइकिल्स और मोटो व्लॉगिंग अपने आप में एक आर्ट है। तो वो जो क्रेजीनेस है ना, एक बार अगर खून में आ जाता है ना, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अलग ही एक क्रेज है। अगले महीने मैं और एक राइड के लिए निकल गया मेरे भैया के साथ, जो था शांति निकेतन रेंज, जो था 400 किलोमीटर्स इन वन डे। अपने आप को ट्राई करने के लिए मैं अप्रोक्स 16 घंटे मैंने अपना स्कूटी चलाया था, मतलब 400 किलोमीटर 16 आवर्स, टोटल 20 घंटे का समथिंग अराउंड, 20 घंटे नहीं, सॉरी 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 17 17.5 18 घंटे का टोटल ट्रिप था, उसमें 16 घंटा सिर्फ बाइक ही चलाए थे हम लोग। एक अलग ही क्रेजीनेस था, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मिला था उस वाले वीडियो को। अच्छा वीडियो देख सकते हो आप लोग, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक उसके बाद ही हम लोग निकल चुके थे हम लोग का फर्स्ट संडे राइड, जो वो फर्स्ट एक ही बार हम लोग निकले थे। उसके बाद आज तक अभी तक किसी भी संडे राइड पे हम लोग नहीं निकले हैं, ऑलमोस्ट 8 to 9 months होने को आ रहे हैं। वो मैं एक बार ही संडे मॉर्निंग राइड के लिए निकला था, सब डिस्क्रिप्शन में है बॉस। उसके ठीक बाद ही हम लोग निकल चुके थे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर टाकी, जो मुझे उतना खास नहीं लगा वो वाला जगह, ठीक ठाक जगह था, लेकिन पूरा गर्मी में गए थे भाई। मैं ये वाला टी शर्ट पहन के गया था, ठीक ये वाला टी शर्ट, और तब मेरे पास गार्ड पास कुछ नहीं थे, मेरा हाथ पूरा काला हो चुका। तो उसके फिर आता है मेरा एक बाहर का व्लॉगिंग सीरीज, दार्जिलिंग सीरीज जो था, नॉर्थ बंगाल कम दार्जिलिंग का सीरीज था, जहाँ पे मैंने हिम्मत जुटा के, तब था मेरा समथिंग अराउंड 200 सब्सक्राइबर्स, तब हिम्मत जुटा के मैंने पूरे सारे सबके सामने से ब्लॉग किया था। और वीडियो को उतना खास व्यूज नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, लेकिन वो वाला वीडियो मेरा स्टिल एक फेवरेट सा वीडियो है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने मेहनत किया था, बहुत हिम्मत जुटा के वाला वीडियो बनाया था। तो वो वाला वीडियो मेरा एक कम फेवरेट वीडियो है, आप लोग अभी उसको प्यार दे सकते हो, जाओ जाके प्यार दो उस वीडियो को, मुझे भी अच्छा लगेगा। उसके बाद थोड़ा
रेगुलर और डेली बेसिस में यूट्यूब में मैंने आना चालू किया। अपना डेली लाइफ से कुछ ज़्यादा टाइम मैंने यूट्यूब को देना स्टार्ट किया। थोड़ा इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाया जिसमें व्यू अच्छा आया, प्यार अच्छा मिला, थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर्स का गेन हुआ मुझे। थोड़ा अराउंड 400 सब्सक्राइबर्स के करीब मैं पहुंचा, तो वो अलग ही प्यार था आप लोग से मेरे लिए। तो उस वाले फ्रेज को मैं नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि उस वाले फ्रेज में आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया था, बहुत प्यार दिया था, जिस वजह से मैं अभी आप लोग के सामने हूँ विद 600 सब्सक्राइबर्स। और बहुत जल्दी मैं और फिर आता है वो वाला टाइम, वो वाला ट्रेवल्स वीडियो, और वो था मेरा टर्निंग पॉइंट ऑन दिस चैनल, जो था मेरा दीघा राइड, जिसमें मैं और मेरे सारे दोस्तों मिल के वो वाले ट्रिप में गए थे। 2 दिन का ट्रिप था, लेकिन बहुत ही प्यारा 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 ट्रिप था। उस वीडियो में थोड़ा बहुत गलती हुआ था मेरे से, मेरा SD कार्ड करप्ट हो चुका था, तो कुछ वीडियोस मेरे पास थे, कुछ मैंने घुमा डाले, तो वो वाला वीडियो उतना अच्छा नहीं मिला हुआ। फिर भी उस वाले वीडियो को आप लोग ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, तो थैंक यू। वो एक टाइम था जिस टाइम पे मुझे अपना व्लॉग्स में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्वांटिटी वाइज मतलब पसंद नहीं आ रहा था मुझे मेरा वीडियोस। मतलब दीघा सीरीज के बाद जो जो वीडियो मैंने बनाए थे उसके बाद मैं बहुत इरेगुलर हो चुका था यूट्यूब से, एकदम इरेगुलर। मतलब ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते बाद एक वीडियो डाल दिया, फिर बहुत दिनों के बाद डाला, क्योंकि वो वाले फेज में मैं थोड़ा पैसा जमा रहा था, कलेक्ट कर रहा था अपने लिए। वहाँ पे मैं स्लो हो चुका था, वहाँ पे मेरे दिमाग में था कि भाई मुझे थोड़ा क्वालिटी अपडेट करना है, क्योंकि मुझे एकदम अच्छा क्वालिटी नहीं मिल रहा था और मैं सेटिस्फेक्शन नहीं था अपने क्वालिटी वाइज से। तो वो दिन आया 28 सितंबर, जिस दिन मैंने लिया मेरा GoPro Hero 7 Black। इतना फारू क्वालिटी, डे नाइट में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन डे लाइट में इतना फारू क्वालिटी बॉस, दिल के करीब आ गया, दिल के करीब एकदम। तो उसके बाद से मैंने ठान लिया भाई अब डालना है व्लॉग्स, भर भर के डालने वाला हूँ, अभी कोई नहीं रोक सकता, तो अलग ही लेवल करना है बॉस। हीरो ने ऑर्गेनाइज किया हीरो एक्सपल्स 200 का इवेंट, जिसमें मैं गया था एज ए राइडर उन लोग का एक्सपल्स 200 का मज़ा लेने। उस वाले वीडियो को आप लोग देखो, बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया था, पूरा GoPro में मैंने शूट किया था, एक अलग ही क्वालिटी का वीडियो बना था और अमेजिंग बाइक था बॉस। ऐसे करते करते एक एक वीडियो बनाते बनाते इस साल ऑलमोस्ट 72 व्लॉग्स बना चुका था मैं, तो कोशिश था कि 100 कर दूं, बट 100 नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कर देंगे अगले साल 200 या 300 व्लॉग्स भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो ऐसे ही था, ये वाला साल कटा, तो देखते अगला वाला साल इससे भी ज़्यादा बेटर करने का कोशिश है। तो आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार ऐसे ही देते रहिए मुझे, तो और अच्छे व्लॉग्स और अच्छे क्वालिटी मिलेंगे आप सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, होप यू गाइस लाइक इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो है नेक्स्ट ईयर। थैंक यू ऑल।